पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर मस्जिद। तो भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सिखाए क्या? भेज दिया कीजिए, हम कुछ सिखा देंगे, नौकरी कैसे दिया जाता है? और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है। लालू जी स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिए, इनको पहले पूछना चाहिए था जाके पिताजी को ना। बिहार में 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को ही फायदा है। तो प्रतीक है कि लालू जी दिखे कि वोट गया। प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के 14 लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। और ऐसे में देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी पटना में रोड शो है। देखिए, पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी आपस में ही भिड़ गए। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में जमकर बहस हुआ। और क्या कुछ करें, सबसे पहले आप तीनों नेताओं का बयान सुनिए। तेजस्वी जी, असम के मुख्यमंत्री पहुंचे थे बिहार, उन्होंने कहा है कि लोकसभा का अगर चुनाव जीतना है तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा आपको। बेकार की बात है, हम बेकार की बात का जवाब दे देते। और कोई सवाल? और कोई सवाल? बेकार का बात है ना, क्या पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश की जनता के हालात क्या है उस पर बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर मस्जिद, भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सिखाए क्या? भेज दिया कीजिए, हम कुछ सिखा देंगे, नौकरी कैसे दिया जाता है? लालू जी के ऊपर बोला, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बोलते हैं हम तो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। नीतीश जी जो भी बोलते हैं हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। और हम तो उनके बेटे की तरह खड़े थे और हमारे पिता को तो वो बड़े भाई जैसा मानते थे। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो जाने। मोदी जी आ रहे हैं, उनका रोड शो भी है कल। अरे भाई, नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ला दिया है। और प्रधानमंत्री जी थोड़ा रूट अपना चेंज करा के पटना यूनिवर्सिटी भी चले जाए। कई सालों से लोगों की मांग है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इतना भी नहीं किया। विशेष पैकेज तो दूर की बात, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात, एक पटना यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने में आ रहा 3 रैली बिहार में कर रहे हैं, चुनाव वाले दिन आसपास। घबराए हुए प्रधानमंत्री हैं और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है, काम नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें को ही फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष राज के दर्जे का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ किसानों का आय दुगुना का, क्या हुआ गरीबी और महंगाई को मिटाने की बात करते थे। अब पूछेगा 3 घंटे का मेगा रोड शो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री, वो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो किए हैं और जॉब शो करेंगे। धर्म के आधार तो सुनिए ना, रोड शो और एयर शो तो कोई भी कर सकता है ना, जॉब शो कोई भी कर सकता है। फिर वही बात है, क्या मतलब है इन सब बातों का? प्रधानमंत्री जी 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी? क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों आए, 19 के परिणाम ऐसे क्यों आए? और मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं
उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे हैं, निकम्मा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरा कौन करेगा? मोदी जी ने जो गारंटी दी उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फिलहाल वो अपनी चिंता करें, अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है, और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे थे। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए, इस तरीके की भाषा। बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर रहा है, दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बताया है, बोला कि बिहार एनडीए में सब निकम्मा है। स्वाभाविक है, क्योंकि इस पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। लालू जी स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिए। इनको पहले पूछना चाहिए था जाके पिताजी को ना। अरे उनको पता होना चाहिए ना, यहाँ तो प्रतीक है कि लालू जी दिखे कि वोट गया। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर साफ साफ कह दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी 365 दिन भी बिहार में रोड शो करेंगे तब भी फायदा हम ही को होगा, यानी कि राजद को होगा। तेजस्वी यादव साफ साफ तौर पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूरे बिहार एनडीए के जो लोग हैं ये सभी लोग निकम्मा हैं। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने जो जॉब शो की बात की थी, जॉब शो की बदौलत थी, आज देखिए पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करने पर मजबूर हो गए। और वहीं नहीं, देखिए दूसरी तरफ चिराग पासवान भी जवाब दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी का हनुमान उनको कहा जाता है। देखिए वो बोल रहे हैं कि ये लोग बिना सर पैर का बात करते हैं, इन लोग का जो बौखलाहट है वो अब दिखने लगा है। और वहीं देखिए जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी जवाब देते नजर आ रहे हैं। और सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पूरे बिहार के लोगों को लालू यादव ने निकम्मा बना दिया। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर लालू यादव का कोई नाम भी सुनेगा तो वो भाग जाएगा। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो को लेकर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आपस में ही भिड़ गए, जमकर बवाल हुआ। तीनों नेताओं का अपने बयान सुना, क्या कुछ कहना था। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।